जय हिंद सलाम। सूचना आई है पीएचडी के इंटरव्यू के फाइनली रिजल्ट को लेकर। 16 सितंबर की सूचना है, 10 दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रहा है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सुनने समझने के उपरांत में कोई सवाल जिज्ञासा डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। पीएचडी के कोर्स वर्क की फ़ीस और एडमिशन की फ़ीस कब तक भरनी है, इसको लेकर वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन में कोई भी अपडेट नहीं है। फ़ीस ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से भर सकते हैं, ऐसी कोई बात भी नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन है। नोटिफिकेशन में केवल रिजल्ट के विषय में जानकारी दी गई है, तो रिजल्ट को लेकर ही आप सवाल करेंगे कमेंट बॉक्स में तो ज़्यादा बेहतर होगा, फालतू सवाल मत करिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का ये पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट है, 22 और 23 का सेशन है। ध्यान से सुनिएगा रिजल्ट के विषय में। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 14 बच्चों का हुआ है चयन। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 11 बच्चों का चयन हुआ है। इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट का नाम है इतना लंबा चौड़ा, इसमें 4 बच्चों का चयन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 2, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 10 बच्चों का चयन हुआ है, 10 से 11 बच्चों का। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 3, जूलॉजी डिपार्टमेंट में लगभग 15 से 16 बच्चों का चयन हुआ है, क्योंकि बच्चों का रोल नंबर दिया गया है, इसको काउंट करने में दिक्कत मुझसे भी हो सकती है। बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 5 बच्चों का चयन हुआ है। एंशंट हिस्ट्री में लगभग 13 बच्चों का चयन हुआ है। अडल्ट एजुकेशन या अडल्ट काउंटिंग एजुकेशन जिसको बोलते हैं, इसमें 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 36 बच्चों का चयन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 5, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 4, मेडिवल हिस्ट्री में पहले बताया था एंशंट हिस्ट्री का, अब है मेडिवल हिस्ट्री में 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। साइकोलॉजी में 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 12/3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बॉटनी में हुआ है 3/6/2 बच्चों का। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, 2 बच्चों का चयन हुआ है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 2 बच्चों का। फिजिकल एजुकेशन में 10, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 12/12/36/48/48/3/51/51/53/53/56 यानी कि 56 बच्चों का चयन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 6 बच्चों का चयन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में 12/8/20 बच्चों का चयन हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी में 4, डिफेंस यानी कि मिलिट्री साइंस में 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 21, कंप्यूटर एप्लीकेशन को MCA भी इसमें लिखा गया है, 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3, एजुकेशन जो कि कैंपस का ही डिपार्टमेंट है इसके अंदर 3/3/6/7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैनेजमेंट में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 और लास्ट में फिजिकल एजुकेशन इन कैंपस इसके अंदर 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये है कंप्लीट रिजल्ट डिपार्टमेंट का, सभी जो भी अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे थे, रिजल्ट लगभग बहुत पहले आ गया है। फीस को जल्दी सबमिट कर दीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। और फीस का सारा प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम ऑफलाइन माध्यम से, इसके लिए विभाग और यूनिवर्सिटी में खासकर 3 व्यक्तियों से संपर्क करिएगा। अगर आपको समस्या आती है किसी प्रकार के एडमिशन को लेकर, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार यानी के कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक यानी के एग्जाम कंट्रोलर और आपके विभागाध्यक्ष यानी कि जिस विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ है। फीस सबमिट करने की डेडलाइन क्या है ये नहीं बताई गई है नोटिफिकेशन में। कोर्स वर्क कब से स्टार्ट होगा ये नहीं बताया गया है। और जल्दी से जल्दी अपना फीस को सबमिट करिए, अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करिए, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराइए ताकि आपको शोध निर्देशक जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो किस विभाग में हुआ है। और भविष्य में संपर्क बनाए रखिएगा मेरे लिए नहीं, आपको यदि रिसर्च में किसी प्रकार कोई समस्या आती है टॉपिक को लेकर, गाइड को लेकर, रिसर्च के फॉर्मेट को समझने को लेकर, DRC को लेकर, RDC को लेकर, BRS को लेकर, तो जो भी मेरे पास अनुभव है रिसर्च का पढ़ने बढ़ाने का, आपसे मैं जरूर शेयर करूंगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का ध्यान जरूर रखिएगा। दुआ सलाम, गुड बाय।